मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे, और उत्तर में बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी, तुम शक्तियों की चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे डेल मनमोरनी, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं और फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कछमछ का रूप बनकर आओ, नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब ये गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी हैं परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें। ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यह एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार के। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान, आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे। जिसको ही याद करते हैं, भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नरक है। तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो बरोबर सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह लक्ष्मी नारायण देखो, श्रेष्ठाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी हैं। अपने को कहते भी हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी क्रोधी पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास, श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं। महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं, वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे।
हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कि कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। आप ही पूजे श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूजे देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सत्युग में श्रेष्ठाचारी थे, वॉइसलेस वर्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं, भारत को नीचे आना ही है, यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते, 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे, यह तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद भगवत कहा जाता है, श्रीमत क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं, इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था, भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए, उनको कौन बनाए? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर वन श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार ये सारा खेल बना हुआ है, फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ माँ कहकर प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसा है। जो भगंती होते हैं वह तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रहकर विकर्म आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है। ये तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए, बच्चों में भी कोई मुश्किल है? 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे मोरनी चलती है, मुख से रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो, नाम बदनाम ना करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब रात्रि क्लास है तो बाबा कहते कि यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सत्युग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा, वहाँ है वॉइसलेस वर्ड। बच्चे जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि यह संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है, हम इस दुनिया से पार जाते हैं। खिवैया है ना, तो नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि बहुत धक्के खाए हैं। भक्त नहीं जानते कि हम धक्का खाते हैं, वह तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है।
आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है ये कोई नहीं जानते। परमात्मा माशूक है तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है, माशूक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है हम निरंतर याद करते रहें। सिमरण अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद, बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं, अरे बच्चा कह थोड़ी सकता है कि हम बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं। याद की ही मेहनत है, तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ चुप रहकर याद करना है। अच्छा, और तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसी को ये पता ही नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सत्यु के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। हैं भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं कि आप पुरुषोत्तम हो और हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य को मालूम पड़े। परंतु होगा धीरे, अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वे थोड़े सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं? तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज सिल्वर एज, यह संगम युग है डायमंड एज, सत्ययुग है गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड और सत्ययुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वे इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। सत्ययुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के, गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्ययुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसी को पता ही नहीं है। राम राज्य सत्ययुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं, दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं।
कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को भी याद प्यार और नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। और सेकंड पॉइंट है, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने आज वरदान दिया, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ू नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। और फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।